सागर सहित बुंदेलखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं उत्तर से आ रही सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है। ऐसे में शुगर और बीपी के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ा है। उन्हें लकवा और हार्ट अटैक आने की संभावना है। सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि बीपी और शुगर के मरीज जो सुबह से घूमने जाते हैं, उन्हें अपने समय में बदलाव करना चाहिए। उन्हें थोड़ा घर से लेट निकलना चाहिए। वहीं इसके अलावा ठंड की वजह से त्वचा संबंधी रोग, सर्दी, जुकाम, वायरल की बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। ऐसे में ठंड से बचाव करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए, अलाव का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से बचाव करें। सागर के मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बना रहने के आसार हैं। इसके साथ ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। ठंड के मौसम में विशेष जो सावधानी जिनको रखने की ज़रूरत है, उनमें से एक जो पहले से श्वास की पेशेंट हैं, जो श्वास की समस्या जिनको है, अस्थमा की समस्या है, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, उनको इस ठंडे मौसम से काफ़ी हद तक बचाव करना चाहिए। इस मौसम में श्वास की बीमारियाँ, अस्थमा, इन सबको काफ़ी हद तक ही बढ़ जाती हैं। दूसरा, इस ठंडे के मौसम में जो देखने में आता है कि हार्ट अटैक और लकवा, इन सब की भी मरीज काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और इसमें जो ज़्यादातर रहता है सुबह के टाइम पे, जब ठंडे में जो लोग घूमने जाते हैं, एकदम सुबह से घूमने जाते हैं, उस समय जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर की जिनको पहले से प्रॉब्लम है, उन लोगों को पैरालिसिस या लकवा या हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ने में देखने में आई है। तो उन लोगों को सलाह ये दी जाती है कि घूमना आपको बंद नहीं करना है, लेकिन घूमने का टाइम में ज़रूर आप थोड़ा सा सुधार करें, थोड़ा सा लेट आप घूमने के लिए जाएं। चौथी और जो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है, वो स्किन से संबंधित ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि ड्राई मौसम के कारण से आपको स्किन से रिलेटेड ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। और ये जो मौसम है, विशेष तरीके से जो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, यानी जिनको पहले से बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर की जिनको पहले से बीमारी है, जिनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है, उनको बहुत हद तक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बच्चों को भी इस मौसम से विशेष ध्यान रखना चाहिए।